एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइज, आज मैं जो वीडियो मैं बना रही हूँ, आज जो मेरी रेसिपी है वो रेसिपी मैं बना रही हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो हरी वाली दाल होती है, मूंग दाल साबुत वाली, उसका डोसा और पूरा बैटर बना रही हूँ। जैसे डोसे का वो बनता है, बैटर भी बनता है, और स्टफिंग जो है उसकी मैं नॉर्मल जो आलू की बनती है मसाला डोसा, तो वही मैं सेम बना रही हूँ। लेकिन मैं चावल थोड़े से डाले हैं, दाल बस वो वाली व्हाइट वाली होती है, मैंने यहाँ ली है हरे मूंग। तो हरे मूंग के साथ मैं बना रही हूँ ये डोसा, मूंग दाल डोसा। तो ज्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं रेसिपी की ओर। तो गाइज, यहाँ रखे हैं आलू उबलने। सबसे पहले मैं उबालती हूँ आलू और उसके बाद आगे का करती हूँ काम। ये देखिए, यहाँ मैंने हरे मूंग की दाल भीगा, रात को ओवरनाइट इसको सोक कर लिया था और अच्छे से इसको छन्नी में ड्रेन कर दिया है ताकि पानी सारा निकल जाए। और यहाँ गाइज मैंने इसमें डाले हैं 3 से 4 चम्मच चावल। तो गाइज, इसमें चावल इसलिए डाले हैं, अगर आप चावल नहीं डालते तो वो बनेगा मूंग दाल चीला। चावल डालने से क्या होता है, जो उसका क्रिस्प आता है ना, जो डोसे में आपको जो ये दूसरे व्हाइट वाली दाल का जो डोसा बनता है उस वाले जो क्रिस्प आता है वही आपको इसमें मिलेगा। चावल मैंने इसीलिए इसमें डाले हैं। बस मैं अब इसको करती हूँ ग्राइंड। गाइज, इसमें मैंने डाली है 3 हरी मिर्चें क्योंकि काफी सारी दाल है, तो अभी इसको और पीसूंगी। तो अभी मैंने इसमें फिलहाल डाल दी, फिर मैं सारा इकट्ठा 2 बार बैच में इसको पीस दूंगी। तो गाइस, यहाँ मैंने दाल अच्छे से ब्लेंड कर ली है और इसको मैंने इसमें डाला है 1/2 चम्मच के करीब नमक और हरी मिर्चें डाली हुई हैं। तो बस गाइस, इसको रखते हैं साइड में और हम बनाते हैं डोसे की स्टफिंग। यहाँ आलू भी उबल चुके हैं और मैंने ठंडे करने रख दिए हैं। गाइस, इनको छिलती हूँ और इसको लगाती हूँ एक छोटा सा तड़का इसके अंदर। तो गाइज, यहाँ मैंने ऑयल गरम कर रखा है। यहाँ डालती हूँ मैं थोड़ी सी राई, सरसों या राई कुछ भी। तो यहाँ डाला कड़ी पत्ता, क्योंकि कड़ी पत्ते में ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है गाइज। और यहाँ मैंने 2 प्याज काट रखे हैं मीडियम साइज के। तो फिर जैसे ही कड़ी पत्ता और ये राई फ्राई होती है, मैं डालती हूँ इसके अंदर प्याज। तो अभी ये फ्राई हो रही है, तो बस अब डालती हूँ इसमें प्याज। इसको भी अच्छे से फ्राई करते हैं गाइस, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, क्योंकि कच्चा कच्चा जो क्रंच आता है ना, इसे प्याज कच्चा आता है। और यहाँ मैंने आलू सारे मैश कर रखे हैं, तो बस जैसे ही ये थोड़े से ब्राउन होते हैं, मसाले डाल के मैं इसको इसके बीच में डालती हूँ। प्याज जो है हल्के से पिंकिश कलर में आ चुके हैं, तो सबसे पहले डालते हैं इसमें नमक स्वाद अनुसार और लाल मिर्च पाउडर, और इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच के करीब ये हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच ही किचन किंग पाउडर। तो इसको अच्छे से गाइस करते हैं, मसालों को भूनते हैं 2 सेकंड के लिए। जैसे ही मसाला भून गया, मसाले में से गाइस एक अच्छी सी खुशबू आने लग गई है, तो बस अब हम इसमें डालते हैं ये जो आलू बॉईल कर रखे हैं मैंने, और मैंने इनको अच्छे से मैश कर लिया है। तो बस गाइस, इसको सारे को डाल देती हूँ और इसको अच्छे से करती हूँ मिक्स। चुके हैं, बस इसको करते हैं एक साइड। अब हम बनाते हैं नारियल की चटनी। तो गाइस, मेरे को क्या प्रॉब्लम आ गई अचानक ही ना, मेरे पास जो डेसिकेटेड नारियल होता है, जो भूरा होता है, वो ख़त्म हो चुका था। मुझे लगा कि है, लेकिन शुगर है मेरे पास ना गोला पड़ा होता सूखा हुआ। अगर आपके पास ताज़ा नारियल ना हो एंड टाइम, तो आप उसका ब्राउन वाला पार्ट निकाल के ना, ये मैंने कद्दूकस कर लिया इसको, तो यहाँ मेरा काम हो गया। और यहाँ मैंने लिया है 2 चम्मच चने की दाल, इसको मैं ना अभी ड्राई रोस्ट करूँगी, बस कोई बिना ऑयल के ड्राई रोस्ट करूँगी। और उसके बाद एक अदरक छोटे से टुकड़ा और साथ में 2 मिर्च, तो मैं इसकी बनाऊँगी नारियल की चटनी। गाइस, इसको मैं ड्राई रोस्ट ही कर रही हूँ। देखिए, 2 चम्मच के करीब दाल है, 2 छोटे चम्मच, इसको ड्राई रोस्ट अच्छे से करती हूँ, फिर मैं बनाती हूँ इसकी चटनी। तो गाइस, यहाँ लिया है मैंने नारियल का, जो मैंने आपको दिखाया था ग्रेट करा, यहाँ छोटा सा एक अदरक का टुकड़ा, 1/2 चम्मच के करीब नमक, और ये चने की दाल ना मैंने रोस्ट करी थी, हल्की हल्की सी काली होगी पर कोई बात नहीं, ब्राउन हुई है, इसको थोड़े से मैं निकाल लेती हूँ जो ब्राउन ज़्यादा हुई है, और डेढ़ हरी मिर्च डाली है बस मैंने। गाइस बस ये कर रहे हैं चटनी के तड़के की तैयारी। यहाँ मैंने ली है राई और 5-6 कड़ी पत्ते और 1 साबुत मिर्च को मैंने 3 पीसेस में कर लिया है, तो ये हो चुकी है। बस अब जैसे ही ये ब्राउन होता है हल्का सा, इसमें डालती हूँ गाइस। तो गाइस, तड़का लगा दिया है, बस अब करती हूँ डोसे की तैयारी। सब कुछ रेडी हो चुका है, बस डोसे की करती हूँ तैयारी। तो गाइस, ये मैंने अभी डोसा फैला दिया है, बस ये अभी थोड़ा सा वो होता है, ड्राई होता है, तो ये अपने आप ही चारों साइड से निकल जाता है।
तो ये थोड़ा सा और अभी सिकना इसमें रह गया, मैं दिखाती हूँ आपको, थोड़ा सा रह गया। फिर उसके बाद इसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैं दोनों साइड से हल्का हल्का सेक रही हूँ, क्योंकि ना चावल वाला क्या होता है अंदर से भी वो होता है, तो वो एक साइड से सेकते हैं। ये देखिए गाइस ब्राउन होना शुरू हो गया है, तो इसमें डालते हैं थोड़ा सा ऑयल और इसको मैं करती हूँ अब। ये देखिए गाइस, ये देखिए बस इसको मैंने ये कर दिया और बड़ा क्रिस्पी बना है। और मैं आपको बताऊं, मैं कहती हूँ ना इस तवे पे पानी का छीका डालना पड़ता है ना कुछ, जैसे डोसे में बार बार आप डालते हो। अब ये क्या है, जैसे थोड़ा सा हुआ ना तो गाइस ये लकड़ी के इसी से ही साफ हो जाएगा और ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है, कपड़ा मारते ही कोई बार बार छीटे की जरूरत नहीं है। बस ये बनता है, तो मैं दूसरी साइड से भी फ्लिप करके आपको दिखाती हूँ, दोनों साइड से हल्का हल्का वो कर रही हूँ। तो फिर मैं डालती हूँ इसमें आलू, तो गाइस इसमें डालते हैं आलू, तो आलू मैं डालती हूँ यहाँ पर, ये देखिए, और इसमें डालती हूँ थोड़े से कच्चे प्याज जो कि बहुत टेस्टी लगते हैं, हम बाहर से भी खाते हैं ना, हम डलवाते हैं, हम भैया को बोलते हैं थोड़े से मसाला डोसा में कच्चे प्याज डाल दियो। और बस गाइस इसको करते हैं फ्लिप, ये देखिए बहुत क्रिस्पी बना है, मैं दूसरी साइड से भी हल्का सा इसको कर देती हूँ, ये देखिए बहुत अच्छे डोसे बने हैं और क्या कहते हैं क्रिस्पी भी पूरा है, कोई वो दिक्कत नहीं है कि आपको हरी दाल से बनाया। मेन है बच्चे के लिए बहुत हेल्दी है, आप अगर स्टफिंग नहीं करते इसकी जगह पनीर की स्टफिंग भी कर सकते हो, उसमें मटर गाजर सब कुछ ऐड कर सकते हो। तो मेरा दिल था, मैंने कहा मैं आलू वाले बनाती हूँ सेम, तो मैंने आलू के बनाए हैं। तो गाइस ये हो गया रेडी, अब अगले की ये देखो, बस ये तवा हो गया साफ, बस कपड़ा मारती हूँ और दूसरा डोसा बनाती हूँ। तो गाइस बहुत ही टेस्टी देखिए डोसे बन चुके हैं, तो ये देखिए आलू और प्याज डाले, यहाँ मैंने बनाई है चटनी और यहाँ साथ रख दिया आलू, बस पूजा के पापा को देती हूँ, पूजा के पापा लंच करने आ चुके हैं, तो बहुत ही टेस्टी है गाइस, एक बार जरूर ये रेसिपी ट्राई करना, और लंच रेसिपी है, ब्रेकफास्ट है, कुछ भी इसको कर सकते हो। खा लिए, आप सच से बताओ वैसे कैसे बने हैं, हैं टेस्टी बने हैं, उसको फेल कर रहे हैं जो बाजार वाले चावल हो, हाँ अपने हाथों से बनाए हुए हैं, हाँ पर ये बिल्कुल हाथों से खुद के बनाए हुए हैं, हाँ हेल्दी भी पूरा है पर टेस्टी बने ना। हरे मूंग की दाल तो आपको पता है, ऐसे कोई खाए ना खाए इसमें खा लेते हैं, तो बच्चों की ताकतवर दाल है, बच्चों के लंच बॉक्स में और बच्चों के टिफिन बॉक्स में, हस्बैंड के लंच बॉक्स में, सांभर के साथ भी आप बना सकते हो, मैंने नहीं बनाया बट आगे दोबारा सांभर बनाऊंगी अगली बार, ठीक है, मुझे अच्छा लगा ये, मैं कहा सही बने हैं। और काकू तू बता, हैं बढ़िया बने ना, पेट भर के खा लिया, ठीक है चलो आप भी खा लो, एक और बना हुआ है, एक और खा लो, ठीक है, मैं भी अपने बना के ला रही हूँ, फिर मैं भी खाती हूँ। गाइज मैंने भी लंच कर लिया और बहुत टेस्टी बना था और खाने में भी टेस्टी था, हेल्दी था, तो आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, रेसिपी पसंद आई होगी तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।